आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज़, सच के साथ लगातार। आज हमारे पैनल में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नासिर अली साहब बैठे हैं। मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में दोनों जगह है और महंगाई चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, पेपर के अनुसार दो दिन पहले दे आपने पेपर में पढ़ा होगा कि ब्लैक मनी जो है वो बाहर जा रही है और उसके बदले डॉलर खरीदा जा रहा है, तो महंगाई बढ़ने का एक कारण ये भी है, पैसा जो गिर रहा है। पेट्रोल के बारे में आपकी क्या? पेट्रोल के बारे में आपको मालूम है कि कंपनियों का जो है प्रॉफिट ज्यादा है, और दूसरी चीज तेल जो है $40 प्रति बैरल था, अभी सुबह 70 इंटरनेशनल मार्केट में $70 प्रति बैरल है। जो गैस के दाम बढ़े हैं, इस पर क्या महिलाओं को कोई दिक्कत हो रही है? बिल्कुल, महिलाओं को बिल्कुल होगी। देखिए, पहली गवर्नमेंट जो थी उनके वक्त 364-365 रुपए का था, इस वक्त 800 कुछ रुपए का है, तो इसलिए महिलाओं का जो बजट है, रसोई का बजट बिगड़ रहा है इससे। मैसी जी, बताइए, यदि आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस बेरोजगारी की रोकथाम के लिए? देखिए, सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्लैक मार्केटिंग खत्म करें, तब महंगाई पे रोक होगी। जो चीज क्या कहते हैं, 10 रुपए की गवर्नमेंट दे रही है, वो ब्लैक मार्केटिंग में 15 की लिख रही है, और इससे जीएसटी से बहुत फर्क पड़ा हुआ है। नोटबंदी को लेकर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नोटबंदी से देखिए कोई ज्यादा फर्क नहीं है, अब कारोबार फिर वापिस आ गया है। जीएसटी की मार देखिए आम उपभोक्ता पे पड़ी है। आप देखिए, मैन्युफैक्चर है, वो भी इनपुट ले लेता है, सब ले लेते हैं, कंज्यूमर किससे इनपुट वापिस ले। देखिए, एक आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको तो सभी पार्टी के बारे में आप जानते हैं, मिलते हैं, सभी से आप कार्य कराते रहते हैं। देखिए, व्यक्तिगत एक सवाल है आपसे, आपकी नजर में मुख्यमंत्री के पद दावेदारी में अखिलेश यादव जी भी, मायावती जी, योगी आदित्यनाथ जी, इन तीनों में से सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन रहा? देखिए, ये सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ जी जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है, उनके कार्यकाल में हुंडई बिल्कुल खत्म हो गई, रंगदारी बिल्कुल बंद हो गई। मुख्य कारण ये है कि डीजल और पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम, डीजल के जब दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से सभी चीज का रेट बढ़ जाता है, चाहे सब्जी का हो, चाहे अनाज का हो, चाहे बच्चों के स्कूल के कन्वेंस का हो, पेट्रोल डीजल से संबंधित किसी भी चीज का होता है, सबकी ट्रांसपोर्टिंग को देखते हुए उसके रेट बढ़ जाते हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी लागू किया और जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल को नहीं रखा, उसके बाहर रखा, यही कारण है कि महंगाई चरम सीमा पे है। दूसरी चीज, जब जब व्यापारियों ने इसका विरोध किया है, जब जब लोगों ने विरोध किया है, तब तब भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों को अच्छे पदों से उनको नवाजने की कोशिश किया है, व्यापारियों का मुंह बंद कराया गया है, लेकिन 125 करोड़ जनता जिन्होंने देश में उनको बैठाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुर्सी पे बैठाया गया है, वो सब जनता इस समय आक्रोशित है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अगर डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में नहीं लेके आते हैं, तो फिर पूरे देश की जनता इनको 2019 के चुनाव में बहिष्कार करेगी। आज 32 रूपए 16 पैसे राज्य सरकार उस पर टैक्स ले रही है और 16 रूपए 26 पैसा केंद्र सरकार उस पर टैक्स ले रही है, 6 रूपए 56 पैसा पेट्रोल पंप के मालिक का कमीशन होता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जो पेट्रोल हम लोग 88 रूपए में खरीद रहे हैं, उसका एक्चुअल कीमत 36 रूपए है, बाकी सब टैक्स में जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को संदेश देना चाहता हूं कि अगर ये पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में नहीं लाएंगे
तो बहुत जल्द हमारा व्यापार मंडल सड़कों पे उतरेगा और पेट्रोल डीजल और प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री का सबका बहिष्कार करेगी, सबका विरोध करेगी। देखिए, चाहे बात समाजवादी पार्टी की कर लें, चाहे बहुजन समाज पार्टी की कर लें और चाहे भाजपा की कर लें, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी रोटी सेकने के लिए जनता को भड़कलाती हैं और अपने चंद वोटों को लेकर चुनाव को डिक्लेयर हो जाने पे जीत जाने के बाद में उसी जनता को नकार देती हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो यही शहादतगंज में व्यापारी श्रवण साहू की हत्या हुई और समाजवादी पार्टी का कोई नेता देखने नहीं गया, न पार्षद, न विधायक, न सांसद, न कोई मंत्री गया। दूसरी चीज, सरकार किसी की भी रही हो, चाहे बहुजन समाज की रही हो, चाहे समाजवादी की रही हो, चाहे बीजेपी की रही होगी, जनता विकल्प ढूंढ रही है। विकल्प के तौर पे अगर प्रदेश में कोई दूसरा पार्टी आ गया या दूसरी लोग आ गए जो स्वच्छ छवि के होंगे, जो देश का विकास कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, तो जनता विकल्प चुन लेगी और जनता इन लोगों को नकार देगी। नमस्कार, मैं हूं जय त्रिपाठी। आज एक सवाल कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथी नीलम मिश्रा जी हमारे पैनल में हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं नीलम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से और नगर मंत्री रही हूं और मैं वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हूं। मैं महंगाई के लिए ये कह सकती हूं अपनी जनता से कि महंगाई हम लोगों ने नहीं बढ़ाई, हमारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है, यूपी सरकार में भी है। तो केंद्र में अंग्रेजों ने लूटा पहले, फिर कांग्रेस ने लूटा पहले, फिर हमारे मोदी जी के कोटे में बचा क्या? कुछ तो नहीं बचा ना, कंगाल कोटा था। इसलिए मोदी जी ने कहीं पेट्रोल पे दाम बढ़ा करके, कहीं किसी चीज पे भी दाम बढ़ा करके, हर जनता से थोड़ा थोड़ा, जैसे कि चंदा, अब हम हर घर तो नहीं जा सकते लेने के लिए, हर गरीब से चंदा नहीं मांग सकते ना। तो देश पे, बॉर्डर पे जो भी हमारे जवान हैं उनके लिए मोदी जी ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है, तो हर जनता से वो थोड़ा थोड़ा चंदा ही समझ करके आप मान लीजिए कि हमारे केंद्र सरकार की जनता को मिल रहा है और मोदी सरकार को मिल रहा है। तो मोदी सरकार ने इसलिए थोड़ा महंगाई बढ़ाई है और ये हमेशा के लिए नहीं है हमारे मित्रों, सिर्फ थोड़े दिन के लिए है महंगाई। और बाकी आप तो योगी सरकार को देख रहे हैं, योगी जी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे काम किए हैं, हर जगह तो काम कर ही रहे हैं। बाकी इससे अच्छा कोई सरकार अगर की हो तो उसकी हम जय कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा कि किसी सरकार ने अच्छा किया नहीं है फिलहाल। अच्छा, जब इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी जी, उस समय महंगाई बहुत ज्यादा थी, तब स्मृति ईरानी जी, राजनाथ सिंह जी, काफी लोगों ने उस समय किया था कि हमारी अगर सरकार आती है, स्वयं मोदी जी ने भी कहा था कि अगर मेरी सरकार आती है तो हम पेट्रोल के दाम और भी जो भी चीजें हैं उन पे रोकथाम लगेगी और महंगाई को रोका जाएगा। लेकिन क्या कारण है कि उस पे अभी तक ये रोकथाम नहीं लगा सके? उसके बाद में देखिए, भारत में जब पहले कोई उस पद पे नहीं होता तो उसे नहीं मालूम होता, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय उनको लगा कि हमारे भारत की इतनी स्त्रियां हैं, इतने घर हैं जो बिना लाइट के, बिना बिजली के, बिना गैस चूल्हे के वो चूल्हा फूंकती हैं घर में। उन्होंने उज्ज्वला योजना लाई, उन्होंने ही देश के लिए बहुत सारी योजना लाई, 5 लाख तक, 5 लाख तक उन्होंने आयुष्मान ये बीमारी की योजना जो बनाई है उन्होंने ही बनाई है। तो महंगाई रोकने का एक कारण ये भी है कि इस समय वो महंगाई नहीं रोक पाए। महंगाई तो सभी थोड़ा थोड़ा झेल रहे हैं, लेकिन उसमें फायदा कितने लोगों का कराया है मोदी जी ने, ये कोई अभी उज्ज्वला के माध्यम से जी घर घर कनेक्शन किए गए हैं, गैस के घर घर सिलेंडर की उपलब्धि की गई। लेकिन अभी सिलेंडर के दाम अचानक बढ़ गए, इसका कोई कारण जी? अब योगी जी, मोदी जी अपने घर से तो नहीं ले आएंगे, वो इतने बड़े व्यापारी तो पहले थे नहीं, नेता ही थे ना, तो इसलिए जब गैस पे इधर बढ़ा दिए तो घर घर योजना जब उन्होंने भेजा है, घर घर सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं, तो वो क्या अपने घर से कोई बांटेगा? देगा तो आपके ही
कर से देगा कटौती करके, तो किसी को थोड़ा बढ़ा दिया लेकिन उसका आपके अकाउंट में आ जाता है पैसा। पर मोदी जी ने जो घर घर सिलेंडर बांटे, उज्ज्वला योजना दिया, बेटी पे पैदा होने पे कितना खर्चा वो दे रहे हैं बराबर, और मोदी जी ने देश के बॉर्डर पे जो जवान है उनके लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की है, इसलिए मोदी जी का कोई इसमें दोष नहीं है। वो तो आप से ही लेकर के इधर का उधर करके देश को चला रहे हैं, और गरीबी रोकने वो महंगाई रोकने का उनका एक अभी तरीका अच्छा नहीं हो पाया है, क्योंकि एक पांच साल में यानी चार ही साल अभी हुआ है, चार साल में साढ़े चार साल में एक साथ आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। एक बाप अपने घर को एक साल में सभी लोगों को एक साथ नहीं खुश कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं जय त्रिपाठी। आज एक सवाल डिबेट में आज हमारे साथी हमारे साथ पैनल में योगी के सेवक लखनऊ से अमर रस्तोगी जी हैं। आज हमारे देश प्रदेश में हो रही परेशानी का मुख्य कारण गत वर्षों में हो रही कांग्रेस सरकार के कारण है। विपक्ष में बैठी हुई सरकार दिन प्रतिदिन महंगाई को लेकर इसके लिए कुछ कार्य कर रही है, परंतु यदि अति सरकार में राष्ट्रहित में कुछ कार्य किया होता तो शायद आज इतनी परेशानी समाज को ना झेलनी पड़ती। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी जी महंगाई के लिए नित्य चर्चा और उसकी निवारण हेतु कार्य कर रहे हैं। हमें आशा है कि जनता का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे और हम अपने देश की महंगाई पर साथ रहकर इसका निवारण कर सकेंगे। जय श्री राम। क्या लगता है अमर जी, आपको लगता है 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या जगह होगी, क्या स्थान होगा? जो स्थान इस समय है देश और प्रदेश में, वही स्थान 2019 में भी रहेगा। मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसी संकल्प के साथ हम सभी योगी सेवक कार्य कर रहे हैं और गत प्रतिदिन कार्य करते रहेंगे। जय श्री राम। आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ जी पुनः फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? मुझको पूर्ण विश्वास है, क्योंकि उनके द्वारा किए जा रहे इतने अच्छे अच्छे कार्यों को जो जनता को जिसका असर मिल रहा है, प्रभाव पड़ रहा है जनता पे, जनता जिसका लाभ ले रही है, उस कारण वो पुनः प्रदेश के मुखिया बनेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद अमर रस्तोगी जी, आज हमारे पैनल में आए, आपका हार्दिक स्वागत है।